गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी आई एम अजय ग्रहारी मंगला विंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। आज आप लोगों का वही चैप्टर जो चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मतलब चैप्टर का नाम मानव स्वास्थ्य एवं रोग ही है, उसमें आज टॉपिक हम आपको उठाते हैं प्रत्युज्यता, मतलब एलर्जी क्या है, एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जी है क्या चीज। सपोज दैट एलर्जी एक प्रकार की जो होती है, सपोज दैट सारे व्यक्तियों को हो सारे व्यक्तियों में हो जाती है, जैसे किसी चीज का पिघलाना। तो हम बताते हैं एलर्जी है क्या चीज। जब एक व्यक्ति किसी विशिष्ट वाय पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दर्शाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एलर्जी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति, मतलब सपोज दैट कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट पदार्थ या प्रतिजन, मतलब एंटीजन होता है प्रतिजन होता है, किसी वाय पदार्थ या प्रतिजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दर्शाता है तो उस स्थिति को प्रत्युज्यता या एलर्जी कहा जाता है। जैसे आपका छींक आना त्वचा में खुजली होना, चकत्ते पड़ना और श्वास नली में उत्तेजना, ये आपके एलर्जी के अंतर्गत, मतलब ये एलर्जी के एक प्रकार के कारक होते हैं। और प्रतिजन जो एलर्जी, मतलब जो प्रत्युज्यता का कारण बनते हैं, उसे एलर्जन कहा जाता है। पराग कण, इसमें कोई विशेष खाद्य पदार्थ शीत, ताप, सूर्य का प्रकाश, वस्त्र आदि सामान्य प्रत्युज्यक हो सकते हैं। तो हम इसमें आपको बता देते हैं, एलर्जी रोग प्रतिरक्षण तंत्र की अत्यधिक सक्रियता के कारण होता है। ये शरीर में अत्यधिक जब सक्रियता हो जाती है उसी के कारण आपकी एलर्जी होती है। ओके थैंक यू बेटा। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में स्व प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर बताऊंगा, मतलब एड्स क्या है, पूरा नाम क्या है, कैंसर और स्व प्रतिरक्षा के बारे में बताऊंगा। ओके थैंक यू।